हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं अंकुर आपका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए एक बेस्ट इंडिकेटर स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल पे आकर आपको यहाँ पे वीडियो देखनी है, जो कि काफ़ी अमेजिंग एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिलेगी। वीडियो की एक्यूरेसी आप अपने हिसाब से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अंदाज़ा आप किस प्रकार लगाओगे? आपको वीडियो को बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट आप किस प्रकार करोगे? पेपर ट्रेड की सहायता से आप वीडियो को बैक टेस्ट कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो पेपर ट्रेड से ही आपको बैक टेस्ट करना है। रियल अमाउंट से बिल्कुल भी बैक टेस्ट नहीं करना। रियल अमाउंट से अगर आप बैक टेस्ट करोगे तो एक या दो लोट से आपको बैक टेस्ट करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। हम आ गए ट्रेडिंग व्यू में। जिनको नहीं पता है, सिंपल एक ईमेल आईडी से क्रिएट करना है। हम ऑलरेडी इस पर वीडियो बना चुके हैं, यूआरएल डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। जो आज का सेटअप है वो दो सेटअपों पर अप्लाई किया गया है। एक तो निफ्टी पे आपको अलग सेटअप देखने के लिए मिलेगा और दूसरा जो सेटअप है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे भी आपको अलग सेटअप देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए दो इंडिकेटर है, ये देख सकते हो। दोनों इंडिकेटर काफ़ी अमेजिंग आपको देखने के लिए मिले। इनके जो सेल के सिग्नल है, बाय का सिग्नल है, वो भी देखिए एकदम आपको परफेक्ट देखने के लिए मिले। बाय का सिग्नल मिला आपको, एक अच्छी पोजिशन देखने के लिए मिली है, यहाँ पे देख सकते हो। सेल का सिग्नल मिला, ये देखिए एक अच्छी पोजिशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे आपको किस प्रकार यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको बाय का सिग्नल मिल रहा है, बाय का सिग्नल मिल रहा है। तो इस कैंडल के बाद देख सकते हो, यहाँ पे इस कैंडल ने क्रॉस ओवर किया है, तो आपको क्रॉस ओवर होने के बाद बाय का सिग्नल देखना है। बाय का सिग्नल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला, ये देखिए अच्छी पोजिशन आपको देखने के लिए मिली है। यहाँ पे आप एग्जिट भी कर सकते हो। पॉइंट लेने की बात है, पॉइंट आपको कितने मिलते हैं यहाँ पे देखिए, दो तीन कैंडलों का जो आपको पॉइंट मिले, 600 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। 600 काफी अमेजिंग है गाइस। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेल साइड की पोजीशन के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेल का आपको यहाँ पे सिग्नल मिला है, सेल का सिग्नल मिला है क्रॉस ओवर इस वाले पे है, सेल का सिग्नल इस पे। यहाँ पे आप बाय करेंगे और ये देखिए दो कैंडल का भी अगर आप पॉइंट कैप्चर करोगे, दो ही कैंडल, आपको ज़्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 10 मिनट में आपको कितने पॉइंट देखने के लिए मिले, 714 पॉइंट आपको 10 मिनट में देखने के लिए मिले हैं। और यहाँ पे देखिए 20-25 मिनट में आपको 600 पॉइंट देखने के लिए मिले। काफ़ी अमेजिंग है, दोनों ट्रेड आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखिए, अभी तक मार्केट डाउनसाइड के लिए आपको ट्रेड प्लान बना के दे रही है। अभी तक आप इसमें होल्ड भी कर सकते हो, लेकिन इस सबसे मेन पॉइंट आपको पॉइंट लेने हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। पॉइंट लीजिए, आपका पॉइंट मिलता है, एग्जिट करिए, एक न्यू ट्रेड भी आप बना सकते हो। चलिए बस यहाँ से हम बैक टेस्ट और करते हैं इसका, जितना चाहे आप इसे उतना बैक टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे आपको सेल का सिग्नल मिल रहा है। सेल का सिग्नल कहाँ पे मिला? ये आपको सेल का सिग्नल मिला है, सेल का सिग्नल मिला, जो ये आपका दोनों इंडिकेटर है वो रेड है, देख सकते हो आप। तो सेल के सिग्नल के बाद आप तुरंत सेल नहीं करोगे, यहाँ पे चाहे तो तुरंत सेल कर सकते हो, क्योंकि क्रॉस ओवर उससे पहली कैंडल पर आपको यहाँ पे मिला हुआ है। नेक्स्ट कैंडल पर आपको सेल का सिग्नल मिलेगा पोजीशन बनाने के लिए। यहाँ पे आप पोजीशन बनाओगे, ऐसा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और ये देखिए एक अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिले। यहाँ पे भी अगर आप एग्जिट करोगे तो चेक कर लीजिए कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। ये देखिए 580 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले, 580 कम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो लाइव मार्केट चल रहा है अभी तक। ये देखें, अभी तक आपको सेल साइड की पोजीशन के अंदर बने रह सकते हो। ये देखिए तीन दो कैंडल ने आपको 700 पॉइंट दिए हैं और मार्केट अभी तक डाउन साइड के लिए पोजीशन बना रखी है मार्केट ने। चलिए यहाँ पे हम फिर से बात करेंगे, बाय साइड की पोजीशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिली है। बाय पोजीशन आपको देखने के लिए मिली है, जो आपके दोनों इंडिकेटर ग्रीन है, इस कैंडल पर आपको क्रॉस ओवर होता हुआ मिल रहा है, इस पर आप बाय पोजीशन बना सकते हो। और ये देखिए एक अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिली, यहाँ पर आप एग्जिट करिए, चेक करेंगे कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। ये देखिए आपको देखने के लिए मिले 524 पॉइंट। यहाँ पे देखिए हर एक ट्रेड में आपको 500, 600, 700 पॉइंट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक अच्छा प्रॉफिट ही आप यहाँ से गेन करोगे इस स्ट्रैटेजी से। यहाँ पे हम बात करेंगे फिर से एक बाई साइड की पोजीशन के लिए। ये देखिए यहाँ पे बाय का आपको सिग्नल देखने के लिए मिला है, दोनों इंडिकेटर आपके ग्रीन है, उसके बाद इस कैंडल पर भी आप पोजिशन बनाओगे, ये आपका ऐसा रहेगा। तो ये देखिए एक अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिले, यहाँ पर आप एग्जिट करोगे, चेक करते हैं कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। ये देखिए आपको 284 पॉइंट देखने के लिए मिले, काफ़ी अमेजिंग है, 284 कम नहीं है। यहाँ पे आप सेटअप देख सकते हो। बात करेंगे हम निफ्टी पे, तो आपको निफ्टी पे चलना है। यहाँ पे देखिए निफ्टी पे जो है सेटअप अलग आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दो इंडिकेटर के कंफर्मेशन से ये सेटअप अप्लाई किया गया है, इनकी एक्यूरेसी काफ़ी अमेजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए ये हिस्टोग्राम आपका ग्रीन है, यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिलेगा,
क्रॉसओवर आपका कहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपका क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर होने के बाद आपको वेट करना, ये जब लो हिस्टोग्राम आपका क्या नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा, और इसकी कैंडल ग्रीन की ऊपर नहीं जाएगी इस हिस्टोग्राम के ऊपर। तो ये यहाँ पे गई है, इस कैंडल पर आप बाय कर सकते हो। तो ये कहाँ पे बाय हुई है, ये यहाँ पे, जब लो ये जीरो लाइन आपकी ब्रेक नहीं करेगी, ग्रीन वाली लाइन है, जैसे ही जीरो लाइन को ब्रेक किया आप पोजिशन बना सकते हो। ये देखिए एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से आप कैप्चर कर सकते हो। चेक करते हैं कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। ये देखिए निफ्टी में आपको 71 पॉइंट देखने के लिए मिले, काफ़ी अमेजिंग है, 71 कम नहीं है निफ्टी में। यहाँ पे फिर से हम बात करेंगे सेल साइड की पोजीशन के लिए। तो ये देखिए ये आपका हिस्टोग्राम यहाँ पे रेड हुआ है, यहाँ पे रेड हुआ है, क्रॉस ओवर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला, यानी कि इस कैंडल पर आपको क्रॉस ओवर देखने के लिए मिल रहा है जहाँ पे रेड हुई है। लेकिन हमें सेकेंड इंडिकेटर के कन्फर्मेशन भी लेना है, यहाँ पे जैसे ये रेड हुआ है तो आप यहाँ पे पोजिशन बना सकते हो। ये देखिए दो कैंडलों का भी अगर आप प्रॉफिट कैप्चर करोगे कितना पॉइंट मिलते हैं आपको। ये देखिए 166 पॉइंट आपको मिले हैं दो ही कैंडलों में, काफ़ी अमेजिंग है। बात हम करते हैं फिर से बैक टेस्ट के लिए, हम पीछे चलते हैं, जितना चाहे आप इसे उतना बैक टेस्ट कर सकते हो। ये देखिए एक अच्छा ही प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये हिस्टोग्राम आपका रेड है, रेड हिस्टोग्राम है, कैंडल भी आपकी रेड है हिस्टोग्राम से नीचे। जो आपके इंडिकेटर क्रॉस ओवर हो रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस ओवर कहाँ पे हुआ, यहाँ पे एकदम बेस्ट ट्रेड है आपके, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, एसएल आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ये देखिए एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी अगर आप कैप्चर करते हो, कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले यहाँ से। ये देखिए आपको 50-40 पॉइंट देखने के लिए मिल गया, काफ़ी अमेजिंग है, कम नहीं है। ये देखिए एक अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिल रही है। यहाँ से हम फिर से बात करेंगे कॉल साइड की पोजिशन के लिए। तो ये देखिए ग्रीन आपका हिस्टोग्राम है, ये देख लीजिए ग्रीन आपका हिस्टोग्राम है, जो आपका इंडिकेटर है वो क्रॉस ओवर यहाँ पे हो चुके हैं, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका हिस्टोग्राम ग्रीन हुआ है। तो जीरो लाइन से ऊपर जाते ही, जैसे जीरो लाइन से ऊपर जाएगा तो आप बाय पोजीशन बनाओगे। जीरो लाइन से ऊपर गया यहाँ पे इस वाली पे, तो यहाँ पे आप बाय पोजीशन बनाओगे। ये देखिए अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिली है, काफ़ी अमेजिंग है। चेक करते हैं कितने पॉइंट आपको देखने के लिए मिले यहाँ से। ये देखिए 171 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले, काफ़ी अमेजिंग है, 171 कम नहीं है। फिर से हम सेल साइड की पोजिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हिस्टोग्राम आपका रेड है, कैंडल उसके नीचे है, जो हमारा इंडिकेटर उसने यहाँ पर क्रॉस ओवर किया। अब ये जब लो जीरो लाइन से नीचे नहीं होगा, यानी कि ग्रीन वाला जीरो लाइन से नीचे नहीं आएगा, तब लो आप सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाओ। सेल साइड की पोजीशन यहाँ पे बनाइए आपने, और ये देखिए एक अच्छी रैली आपको देखने के लिए मिले। यहाँ पे एग्जिट करते हुए चेक करते हैं कितने पॉइंट मिले। ये देखिए 115 पॉइंट आपको देखने के लिए मिले। चलिए सेटअप की बात करते हैं, तो इनको हम ड्रॉइंग को रिमूव करते हैं, दोनों इंडिकेटर को भी हम रिमूव करते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से निफ्टी का चार्ट लेना है। जरूरी नहीं आप निफ्टी लोगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कोई से पे भी इनको यूज़ कर सकते हो। टाइम फ्रेम की बात की जाएगी तो आपको 5 मिनट रखना है, कैंडल हाई कैन सी नॉर्मल आप दोनों अप्लाई कर सकते हो। इंडिकेटर के सेक्शन में चलना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है हुल स्यूट। जैसे ही आप लिखोगे हुल स्यूट, ये इंडिकेटर है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार अप्लाई होकर आएगा, तो अब बात करते हैं हम इसकी सेटिंग की। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है, ये जो 55 है इसे आप 50 में कन्वर्ट करेंगे, HMA से इसे EHMA में कन्वर्ट करेंगे, जो 4 ओवर है इसे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये सेटअप हो गया। सेकेंड इंडिकेटर की बारी है, तो इंडिकेटर के सेक्शन में चलना है आपको, यहाँ पे सर्च करना है, जैसे FU, आप जैसे लिखोगे FU, आपके सामने फर्स्ट ऑस्किलेटर ये वाला इंडिकेटर होगा, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको कट करेंगे, ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार अप्लाई होकर आएगा, ये इंडिकेटर कुछ इस प्रकार अप्लाई होकर आएगा। तो इसकी आपको सेटिंग में चलना है, सेटिंग में क्या करना है, इसको चेक करेंगे। ये आपने चेक किया, अब इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, आपको ये इसमें कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है, स्टाइल में आना है। इसको आप ग्रीन करेंगे, इसकी थिकनेस इंक्रीज करेंगे, ये इसको आप अनचेक कर दीजिए। ये जो आपका येलो है इसे आप रेड करेंगे, इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देंगे। आपको नीचे आना है, इसको भी आप अनचेक कर दीजिए, इसके लेवल्स इसको ऐसे रहने दीजिए, और इसमें लेवल ये अनचेक कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये देखिए सेटअप आपका ये रेडी हो गया। बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी पे आ चुके हैं, इनको हम ड्राइंग को भी रिमूव करते हैं, दोनों इंडिकेटरों को भी हम रिमूव करेंगे। यहाँ से चाहे तो आप इंडिकेटर का नाम देख सकते हो, लेकिन मैं आपको सर्च करके इंडिकेटर बताऊंगा। इसका भी वही सीन है, आपको यहाँ से निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, कोई सा भी चार्ट अप्लाई कर सकते हो। टाइम फ्रेम की बात की जाएगी तो 5 मिनट की स्ट्रैटेजी है, अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। कैंडल इसमें नॉर्मल भी रख सकते हो, हाई करने से भी रख सकते हो। इंडिकेटर के सेक्शन में आना, आपको यहाँ पे सर्च करना है यूटी बोर्ड, यूटी बोर्ड अलर्ट, इस पर एक आपको क्लिक करना है। यहाँ से इसको कट करेंगे, इसकी सेटिंग में चलना है, इनपुट में आना है, ये जो 1 है इसे आप 2 करेंगे, ये जो 10 है इसे आप 7 करेंगे। स्टाइल में आएंगे, बार कलर को आप अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे।
सेकंड इंडिकेटर की बारी है, तो इंडिकेटर के सेक्शन में चलना आपको, यहाँ पे सर्च करना ब्लैक, यहाँ पे सेकंड इंडिकेटर आपको सर्च करना ई एम ए एंड पुल बैक, ई एम ए एंड पुल बैक आपको ये दिख रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ से इसको कट करेंगे। इस इंडिकेटर की सेटिंग में चलना है, इनपुट में आना है, इनपुट में जो 20 से 18 करेंगे इसको 9 ऐसे ही रहने देंगे, इसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, इसको आप अनचेक कर दीजिए, इसको अनचेक कर देंगे, स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में क्या करना है, इसकी थिकनेस थोड़ी इंक्रीज कर लेंगे, इसे ग्रीन, इसे आप रेड करेंगे, इसकी थिकनेस इंक्रीज करेंगे, ऐसे ही आप इसको भी ग्रीन, इसकी थिकनेस इंक्रीज, इसकी भी आप थिकनेस इंक्रीज कर दोगे, यहाँ से ओके कर देंगे। ये इसमें बार कलर हमें नहीं चाहिए, बार कलर को आप अनचेक कर सकते हो, इसमें हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसके ना लेवल्स ना इसके वॉल्यूम, ओके कर देंगे। ये देखिए सेटअप आपके सामने अप्लाई हो चुका है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक से जरूर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।